सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। परम जुनो चैनल पे सभी भाइयों को स्वागत है, वेलकम। मैं विजेंद्र सिंह आज आपके लिए खासी वीडियो लेके आए हैं। को हम आईडी लॉगिन कैसे की जाती है उसके बारे में बताएंगे इस वीडियो के अंदर। आपको पहला जो इससे जस्ट पहले वीडियो था उसमें आपको हमने आईडी कैसे बनाए, एडीएस एक्सचेंज ग्रुप की आईडी हम कैसे बनाए, तो आज हम आपको एडीएस एक्सचेंज आईडी बनने के बाद में अपन लॉगिन कैसे करें उसका हम आपको स्टेप टू स्टेप सारा प्रोसेस बताएंगे। इसके लिए हमें आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता रहेगी। तो अब हम डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे जाते हैं और गूगल स्टार्ट करते हैं। गूगल को अपन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले एडीएस एक्सचेंज लॉगिन नाम से अपने को जो ऊपरी ऊपर दिख रहा है साइड, एक्सचेंज लॉगिन एडीएस, ये साइड को लॉगिन करते हैं। और अब यहाँ पे लॉगिन एडीएस ग्रुप अपने को दिखाई दे रहा है तो इसको अपन टच करते हैं। इसको टच करने के बाद में इस प्रकार हमारे पास में पैराग्राफ खुलता है। इस पैराग्राफ में स्टेप टू स्टेप अपने को सारी बातें डालनी हैं। सबसे पहले इसके अंदर ये लिखा हुआ है योर यूज़र नेम, यहाँ पे यूज़र नेम की जगह अपनी यूज़र आईडी है वह डालनी है। पासवर्ड, योर पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड डालें। इंटर कैप्चा वैल्यू, ये जो RHFZS जो है ये अपने को डालना है। और फिर यहाँ पे अपने को लॉगिन करना है नीचे वाले ऑप्शन में। यदि बाई चांस अपने पास में पासवर्ड खो जाता है तो अब यहाँ पे अपना आईडी अपने सीनियर से ले सकते हैं। अपना आईडी सीनियर है उसके पास में आपका आईडी नंबर रहता है, उनसे आईडी ले लें और वो आईडी लगा लें। और यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड से आपका पासवर्ड फिर से आपको मिल सकता है। तो अब अपन आईडी लॉगिन करते हैं। आईडी लॉगिन करने के लिए ए कैपिटल अक्षर में होना चाहिए, ए जी, ये स्टार्टिंग के ए जी है या जो भी है, ए एस है जो भी अपने पास में, और उसके अकॉर्डिंग अपन लगा देते हैं जो भी अपनी आईडी नंबर हैं वो अपन लिख देते हैं। तो इसमें ए जी 530455 ये आईडी है, और इसमें अपना पासवर्ड है वह है 5955D, ये अपना पासवर्ड है। और इंटर कैप्चा यहाँ पे ये डाल देते हैं कैपिटल अक्षर में RHFZ और ये S, ये अपन मैच करवा लेते हैं एक बार, देखते हैं सेम है सेम है। उसके बाद में यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ होता है, लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद में ये सेव का ऑप्शन आता है ऊपर, अपने को दिखाई दे रहा है, इससे अपना यहाँ आईडी ये सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में यदि अपन अपनी आईडी बार बार खोलते हैं तो अपने को आईडी पासवर्ड बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा। आपके पास में नई आईडी जैसे ओपन करोगे ये सेम पैराग्राफ आपके सामने खुलेगा। जैसे वॉलेट में जीरो बैलेंस है आपके, ये आईडी विजय कुमार के नाम से है लेकिन अनपेड दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये अनपेड का है, और ये डेट डाली हुई है लेकिन यहाँ पे आपने कोई ऐड नहीं देखा है, बिल्कुल ब्लैंक दिखाई दे रहा है, एन दिखाई दे रहा है। और इसके बाद में यहाँ पे अपने पास में विड्रॉल वॉलेट में भी जीरो है, इनकम वॉलेट में भी जीरो है, मेन वॉलेट में भी जीरो है, और रिवार्ड वॉलेट में भी जीरो ही अपने पास में है। इसमें जैसे ही ऐड देखते हैं तो 50 रुपये जो आते हैं सबसे पहले वो इनकम वॉलेट में यहाँ पे शो होंगे, और ऊपर वॉलेट जो लिखा हुआ है इसमें अपना शो होगा 50 रुपये जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद में
आप अपने खाते में जो बैलेंस डालना चाहोगे वो विड्रॉल वॉलेट में आएगा, और ये मैन वॉलेट में जो आप पेमेंट ले लोगे, मैन वॉलेट में आने के बाद में आप ओनली फॉर आईडी रिचार्ज कर सकते हो या किसी दूसरे कैंडिडेट को आईडी टू आईडी पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो मैन विड्रॉल के माध्यम से। मैन वॉलेट में जो पेमेंट आ गया उसको आप विड्रॉल वॉलेट में नहीं ले जा सकते हो वापस, ये आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। और आप एक आईडी से दूसरी आईडी में विड्रॉल करते हो तो ये जो आपके सामने ऑप्शन है, वॉलेट ट्रांसफ़र, ये जो वॉलेट ट्रांसफ़र है इससे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। और सर्विस के बारे में, ये सर्विस के संबंधित है। इसके नीचे आने के बाद में अपने को जो स्क्रीन पे दिखाएंगे योर टोटल इनकम क्या क्या होती हैं। यदि एडीएस एक्सचेंज के साथ में आप काम करोगे तो आपको जो टोटल इनकम वो कितने प्रकार की हैं वो स्टेप टू स्टेप यहाँ पे आपको समरी दिखाई जाएगी, क्लियर। तो इसमें आपको बता देता हूँ टोटल इनकम में टोटल इनकम कितना हुआ, अब तक आपको टोटल इनकम कितना हुआ वो यहाँ पे शो करेगा। स्पॉन्सर इनकम, आपको स्पॉन्सर इनकम वन टाइम ही मिलती है, जो आईडी आप डायरेक्ट लगाते हैं उसके लिए या अपनी टीम लगाती है तो एक बार ही अपने को वन टाइम ही मिलती है। और एक लेवल इनकम, लेवल इनकम भी अपने को एक अपना जो नीचे का जो सिस्टम है या जैसे बोलते हैं अपना ग्रुप है, अपनी टीम है या अपना डाउनलाइन है वह काम करेगी, उसकी जो इनकम आएगी वो लेवल इनकम में आएगी। सेल अप एड इनकम, ये जो आप खुद जो टास्क कंप्लीट करोगे उसका पर डे का जो 50 रुपये आता है वह सेल अप इनकम में आता है। टीम एड इनकम, टीम एड इनकम में आपका जो पेमेंट टीम एड देखती है उससे आपको जो सोर्स मिलता है, जो अमाउंट आता है वह है टीम एड इनकम में आता है। जो भी कैंडिडेट ऐड देता है आपके अब डाउनलाइन में उसका आपको 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये जो भी आता है वह टीम एड इनकम में आता है। रिवार्ड इनकम, आप जैसे जैसे कंपनी द्वारा जो प्रमोशन के माध्यम रखे जा रहे हैं वो सारे आप क्लियर करते हो तो वो रिवार्ड इनकम में आएंगी। और फिर एक रिचार्ज इनकम है, ये रिचार्ज जो सर्विस है उसके अपने को अलग से मिलेंगी। तो आपको मैंने इसमें लॉगिन करने का, आज किस प्रकार लॉगिन किया जाता है और आईडी पासवर्ड कहाँ पे लगाए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको स्टेप टू स्टेप सारी बातें क्लियर कर दी है। आगे अगले वीडियो में मैं आपको अपना टास्क कैसे कंप्लीट करें इसके बारे में बताऊंगा, और विड्रॉल फंड मूव और अपनी आईडी शेयर कैसे करें और नई आईडी को आप एक्टिवेट कैसे करें, ये सारी बातें मैं क्लियर करूंगा नेक्स्ट आगे जो वीडियो आएंगे, एक या दो तीन जो भी आएंगे इसमें। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको आईडी पासवर्ड से गूगल पर जाकर एडीएस एक्सचेंज ग्रुप की आईडी ओपन कैसे, लॉगिन कैसे की जाती है उसके बारे में मैंने जानकारी दी है। तो ये मेरे हिसाब से सभी भाइयों के समझ में आ गया होगा। तो अगली नेक्स्ट जानकारी के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर तैयार रहें। और ये मैं ज़रूर बता देता हूँ इसमें मात्र 1000 रुपये ही आपका इन्वेस्टमेंट होता है और इससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो ये मत देखो कि 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम है, मामूली सी रकम है लेकिन आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ये मात्र 1000 रुपये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, इससे अपन कई हज़ारों कमा सकते हैं। और जिस भाई को ये लगे कि भाई मेरा ये 1000 रुपये डूब जाएगा या क्या होगा, मैं कहाँ से लेके आऊँ, तो इस प्रकार के नेगेटिव सोच वाले जो कैंडिडेट हैं वह भाई एडीएस एक्सचेंज ग्रुप में अपना 1000 रुपये इन्वेस्ट ना करें। यहाँ पे उन्हीं कैंडिडेट का स्वागत है कि मैं एडीएस में काम करूँगा और मेरे को इस पे पूर्णतः विश्वास है, वही कैंडिडेट एडीएस ज्वाइन करें ओनली फॉर
और इस वीडियो में मैं इतनी जानकारी दूंगा, फिर अगले वीडियो में फिर तैयार रहना और उसमें आपको और भी जो बातें हैं मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ। भाई घर पर रह के अच्छी इनकम करना चाहता है वह भाई मेरे को मेरा जो व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ इस पर मैसेज डाल दे कि सर मेरे को उसके बारे में पूरा डिटेल बताएं, तो मैं स्टेप टू स्टेप उस भाई को व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी डिटेल दे दूंगा। घर पर रह के आप पर डे का 1000 रुपये कमा सकते हैं, इसके अंदर आपका कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट रहेगा, समथिंग 1000 रुपये समथिंग इन्वेस्टमेंट रहेगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए, और पर डे का आप घर पर रह के भी 1000 रुपये समथिंग कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इतनी जानकारी दूंगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से तैयार रहना। तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।